नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इंडियन फीवर चैनल। इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है दोस्तों कि आप लोगों को लोन या फिर ईएमआई पे प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे कि आप लोग उन पैसों को जो आप लोगों की लोन या फिर ईएमआई पे जो महीने का आप लोगों का किस्त बन रही है, जो आप लोग पे करेंगे लोन को, उन पैसों को अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है या फिर किस तरह से आप लोगों को नुकसान हो सकता है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरह के लोन या फिर ईएमआई लेना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, बेहतर ऑप्शन होगा, किस तरह के एसेट्स हमें खरीदना लोन्स पे या फिर ईएमआई पे हमारे लिए बेहतर होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसे मदद करेगी, एक तो आप लोगों को समझ में ये आएगा कि हाँ भैया, हमें यहाँ पे अगर पैसा लगाना है तो इतनी ईएमआई जाएगी, अगर हम लोग कहीं इसे इन्वेस्ट करते हैं तो इतना तक रिटर्न निकल करके आ सकता है या फिर इतना पैसा हमें इतने समय में बन सकता है। और दूसरे कि आप लोग ये भी सोच सकेंगे कि हाँ, मुझे ये एसेट्स खरीद लेना चाहिए, अगर मैं इसको नहीं लेता हूं तो हमें आगे चल करके नुकसान हो सकता है अगर मैं अपना पैसा सेव भी करता हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोगों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, और आप लोग किसी और को भी डायरेक्शन दे सकेंगे कि हाँ, तुम ये करो, ये मत करो। ठीक है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग किसी की मदद करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों कि लोन और ईएमआई के पीछे लोग भाग क्यों रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है। लाख दो लाख के भी प्रोडक्ट अगर आप लोग लेते हैं तो वहां पे नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। यहां तक कि आप लोगों के डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई मिल रही है। अभी तक क्या था कि क्रेडिट कार्ड आप लोगों का ऑप्शन सामने था, लेकिन कई सारे बैंक अब डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई का ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं। उनका सीधा सीधा मार्केट स्ट्रेटेजी यही है कि आप लोग ईएमआई पे प्रोडक्ट ले, आप लोग मेरे से लोन ले लो, एक तो मेरे एसेट्स बढ़ेंगे, मतलब बैंक के एसेट्स बढ़ेंगे, और उनको क्या है कि अगर आप लोग कुछ मिस करते हैं तो वो आप लोगों का सब कुछ डाउन कर देंगे, आप लोगों का सिबिल, आप लोगों का क्रेडिट सब कुछ डाउन कर देंगे, और उनको आप लोगों से पैसा भी वसूलना अच्छे से आता है, तो उनको तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल्का सा भी आप लोगों का सिबिल या फिर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप लोगों को वहां पे लोन या फिर ईएमआई पे आप लोगों का प्रोडक्ट या फिर लोन मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को फिर आगे चल करके झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये तो बात रही कि लोन और ईएमआई किस तरह से बॉम्बास्टिक तरीके से हम लोगों के सामने आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, कैलकुलेशन ही हम लोग शेयर कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि अगर आप लोग 1,20,000 रुपए का कुछ लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अभी आईफोन का काफी ज्यादा चलन चल रहा है, तो मान लेते हैं कि आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आप लोग लेते हैं, लेटेस्ट मॉडल लेते हैं, तो लगभग 1,20,000 का फोन है वो, और इस पे अगर आप लोग ईएमआई बनाते हैं 3 सालों की, तो लगभग आप लोगों को 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ता है, यानी कि आप लोगों की महीने की किस्त 4,000 समथिंग कुछ आएगी, 4,000 रुपए के आसपास की महीने की आएगी, और आप लोगों को इससे 36 महीने तक पे करना होगा, जिसमें से आप लोगों का 1,20,000 फोन की प्राइस है और 30,000 रुपए आप लोगों को कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों आप लोगों ने क्या किया कि 30,000 रुपए पे किया कंपनी को लोन के रूप में, यानी कि इंटरेस्ट आप लोगों ने पे किया। अब उसी चीज को दोस्तों हम लोग इन्वेस्ट करके देखते हैं कि अगर आप लोग 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 1.5 लाख रुपए तो वो आप लोगों का ब्याज और आप लोगों का मूलधन मिला करके था, हम लोगों ने कितना लिया, 1,20,000 लोन लिया, तो हम लोग 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हमारा 36 महीने के लिए 3,000 समथिंग कुछ रुपए आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि 3,000 रुपए आप लोग 36 महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आप लोग उसे लेकर के म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, किसी अच्छे सिप में करते हैं, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में महीने महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों यही पैसा आप लोगों का 36 महीनों में 12% के एवरेज इंटरेस्ट रेट पे, या फिर कह लीजिए आप लोग, जो मैंने कैलकुलेट किया है इसलिए इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूं, 12% के आप लोग रिटर्न पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आप लोगों का 1,75,000 के आसपास आ जाएगा। और वहीं पे अगर आप लोग ईएमआई जो पे करेंगे महीने महीने का 4,000 रुपए, अगर आप लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में सिप के माध्यम से और वो आप लोगों को 12% तक का रिटर्न निकाल करके दे रही है सालाना, तो आप लोग
लोगों को उससे ज्यादा अमाउंट बन सकता है। तो यहां पे आप लोग को डिफरेंस देखने को आया कि आप लोग अगर सही तरीके से अपना सही जगह पैसा लगाते हैं तो आप लोगों की उन ईएमआईज जो आप लोगों को जरूरत नहीं है या फिर कह लीजिए जो इस तरह के एसेट्स आप खरीदना चाहते हैं वो चीजें आप लोगों को एक बेहतर रिटर्न निकाल करके दे सकती हैं अगर आप लोग उनको सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। बहरहाल ये तो बात रही कि हम लोगों ने देखा कि हमें कहां पे ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर आप लोग यही सिप के माध्यम छोड़ करके किसी आरडी में आते हैं तो ये आप लोगों का रिटर्न कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट आप लोगों का 6-8% में सीमित हो जाता है। तो अगर आप लोग ये सब करना चाहते हैं तो ये सब भी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को उन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए। तो देखिए सभी तरह के लोन बुरे नहीं होते हैं, कोई भी लोन खराब नहीं होता है, जरूरतों के हिसाब से लोन लिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को उस फोन की जरूरत है, अगर आप लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप वो लो, वहां पे आप लोग किसी तरह की मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उस चीज से किसी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर इन्वेस्टर है आप लोग तो एक रियल इन्वेस्टर क्या करता है कि अगर किसी को कर्ज भी दे रहा है तो उससे पैसा वापस आना चाहिए, जहां भी वो पैसा डाल रहा है उससे कुछ ना कुछ पैसा वापस आना चाहिए। तो उन्हीं तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करें या फिर उन्हीं तरह के एसेट्स के लिए कर्ज ले, लोन ले, जिससे आप लोगों को कुछ पैसा या फिर आगे चल करके बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं आप लोग, उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो वो ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए अगर आप लोग प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं तो आप लोगों के पास 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एक यूज अमाउंट नहीं है। हाँ, भले ही आप लोग यहां पे एक लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, 30 साल के लिए, 20 साल के लिए अगर आप लोग प्रॉपर्टीज लोन लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप लोगों का जितना भी मूलधन होता है उसके दोगुने आप लोग ब्याज के रूप में दे देते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने 20 लाख रुपए लिया है तो आप लोग ईएमआई और मूलधन मिलाकर के लगभग 40 लाख से ज्यादा का पे कर देते हैं अगर हम लोग होम लोन की बात करें। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देखेंगे तो आने वाले 20 सालों में प्रॉपर्टी आप लोगों को 4-5 गुना रिटर्न निकाल करके दे सकती है अगर आप लोग उस टाइम में सेल करते हैं। प्रॉपर्टीज तो आप लोगों की 2-3 महीने में उनकी प्राइस दोगुनी हो जा रही है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों को समझना है, मैं यहां पे क्या समझा रहा हूं आप लोगों को, लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का है, मेन मुद्दा इस वीडियो का जो है वो ये है कि आप लोगों को लोन उन्हीं प्रोडक्ट्स पे या फिर उन्हीं एसेट्स पे लेना चाहिए जो आप लोगों को आगे चल करके कुछ वैल्यू ऑफ मनी क्रिएट कर सके, ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए जो कि धरे के धरे हैं और उनकी आने वाले समय में प्राइजेस भी कम हो रही हैं। जैसे कि यहां पे अगर आप लोग कार लोन लेते हैं तो अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कार्स की, अगर आप लोगों को लगता है कि भैया चलो हम जो ईएमआईज में पैसा देंगे हम 2 साल बाद कार खरीद लेते हैं, हम 3 साल बाद कार खरीद लेते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अगर आप लोग अपनी जरूरतों से समझौता कर रहे हैं, जरूरत देखिए जरूरत और शौक अलग चीज होती है, कोई शौक के माध्यम से चीजों को खरीद करके रख लेता है फिर 1-2 महीने में शौक उसका खत्म हो जाता है, और जरूरत क्या होती है, जरूरत आप लोगों की वो होती है कि इसके ना मेरा काम नहीं चलने वाला है, तो वहां पे आप लोगों के लिए वो लोन लेना बेस्ट है। लेकिन यहां पे केवल शौक पूरा करने के लिए कर्ज से चीजों को शौक पूरा करना ये आप लोगों के लिए सही डिसीजन नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि हमें किस तरह के लोन को लेना चाहिए, और अगर हम लोग लोन ले रहे हैं, अगर हमने मन बना लिया है कि हम इतनी ईएमआई पे करेंगे और हमने ये भी डिसीजन ले लिया कि हमारी जरूरत है या फिर शौक है, तो आप लोग एक सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और सही तरीके का लोन भी अपने लिए बाय कर पाएंगे। तो हम लोगों ने यहां पे क्या सीखा दोस्तों, हम लोगों ने पहली चीज सीखी कि लोन और ईएमआई बॉम्बास्टिक तरीके से कैसे सामने आ रहे हैं, और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि हमें किस तरह के लोन को लेने से बचना चाहिए, और तीसरा हमने ये सीखा कि हमें किस तरह के लोन को या फिर ईएमआई पे चीजों को बाय करना चाहिए। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर कोई आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हो अपने टॉपिक पे तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करके पर्सनली वहां भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जरूर इसके बारे में बताएं जिससे कि वो भी अपना फ्यूचर डिसीजन ले सके और आप लोग भी उनको समझा सके भैया कि ये चीज गलत कर रहे हो, इस पे ईएमआई मत लो और ये जरूरत है तुम्हारी या फिर शौक है, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो।
जय हिंद।